विभाग बिहार सरकार खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय खो खो बालक अंडर 14 विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 का 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक 4 दिवसीय खेल पर उद्घाटन किया गया। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के द्वारा दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में, वहीं इस खेल के उद्घाटन के मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी और साथ में सैकड़ों की संख्या में आए वे खेल प्रतिभागी भी मौजूद रहे। मालूम रहे कि राजस्थानी विद्यालय खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत बिहार के कुछ जिले को छोड़कर लगभग सभी जिले से प्रतिभागी पहुंचे हुए थे। वही खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की मंत्री मदन सैनी ने कहा कि गरीबों का यह खेल है, इसमें कोई भी राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो बैट ना ही कुछ और खरीदने की आवश्यकता होती है। वही मंत्री ने प्रतिभागी जो विभिन्न जिले से दरभंगा आए हैं, उनके रहने खाने पीने से लेकर सभी तरह की सुविधा मिले, किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखने को कहा। नहीं है या यह कहें कि गरीबों का यह एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें तुरंत में कोई राशि का खर्च नहीं होता, न इसमें बैट खरीदने का जरूरत है, न इसमें बल्ला खरीदने का, न ही नेट लगाने का झंझट है, न बैडमिंटन की तरह और भी कई तरह का खर्च का जरूरत है। बिना खर्च का सिर्फ मैदान में कूद जाना और खेल के तरीकों को समझना और देखने में उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छा कि बहुत सारे खर्च करके कोई खिलाड़ी किसी खेल को सीखते हैं और खेलते हैं, अपना मजा आता है देखने वाले को, उतना बिना पैसा लगाए हुए सिर्फ अपनी मेहनत के बदौलत जो देखने वाले दर्शक हैं उनको बहुत ही मजा आता है खो खो देखने में। आज अगर हमको पटना नहीं जाना रहता तो आप सभी बच्चों का खेल हम पूरा देख करके जाता, लेकिन आज हम लोग को जरूरी है इसलिए आपका खेल नहीं देख पाएंगे, इसका हमको अफसोस। हमारे खेल पदाधिकारी ने विस्तार से बताया सरकार के बारे में, या आप लोग अभी बच्चे हैं हो सकता है महसूस नहीं, जो खिलाड़ी होते थे उनका बहुत सारा मांग होता था, आवश्यकता होता था। हम जाएं या कोई भी पदाधिकारी जाए किसी खेल का उद्घाटन करने, शुरुआत करने या प्राइज बांटने के लिए, खिलाड़ी का यह कसक रहता था, यह मांग रहता था कि हम लोग के लिए प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। आज हम लोग यह कह सकते हैं कि सरकार ने खेल को प्राथमिकता दिया और हर खेल को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए गांव स्तर से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर तक हर तरह के इंतजाम किए हैं कि आज खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं और खेल में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे परिवार जी ने बताया कि सरकार का घोषणा है कि गोल्ड लाओ और नौकरी पाओ, और इसका भी खिलाड़ियों पर असर पड़ा। वैसे तो खिलाड़ी कोई भी हो, किसी भी चीज का खिलाड़ी हो, वह किसी चीज का मोहताज नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने खेल से मतलब रहता है। लेकिन खेल के साथ साथ आने वाला समय में मेरा भविष्य भी संवर जाए, उनका घर परिवार में भी आने नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना सरकार का दायित्व है और उस दायित्व को सरकार निभा रहा है। अभी इन्होंने बताया कि 71 लोगों को सरकारी नौकरी दिया गया है। समाज कल्याण विभाग में भी हम लोगों ने जो 9 SCL का वेतन है उसमें हम लोगों ने सीडीपीओ में भी जो पारा ओलंपिक से जीत करके आए थे
उनको हम लोगों ने 4-5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग में भी नौकरी देने का काम किया और नौकरी के साथ साथ हम लोग छूट भी देते थे कि आप अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी देश के लिए और प्रदेश के लिए सोना लाना चाहते हैं जीत करके तो उसके लिए भी हम लोग सहूलियत देते हैं। तो आप तो अभी भी शुरुआत किए हैं, बच्चे हैं, आप लोग मन लगा करके खेलिए और विभिन्न जिला से लोग आए हैं, सबका मन में होगा कि हम जीत करके चाहे कोई भी जीतिए लेकिन खेलिए मन से और प्रैक्टिस भी कीजिए। जो आप यहाँ बैठे हुए हैं हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग मुस्कुरा कर हंसते हुए पूरा मन से ताली बजाइए अपनों के लिए, अपने लिए और खूब खुश होकर के खेलिए। हम सभी लोग आपके सहयोग करने के लिए आपके लिए यहाँ तत्पर है। यहाँ तो सरकारी स्तर पर सारा व्यवस्था है रविंद्र अगर जी हमारे खेल पदाधिकारी भी, लेकिन हमको बच्चा से बेहद लगाव रहता है। हम तो चाहेंगे कि एक समय एक जान का हम लोग के तरफ से इनके पसंद का व्यंजन जो भी ये लोग खाना चाहें उसका व्यवस्था हम लोग के तरफ से करते हैं। सारा व्यवस्था तो आप लोग के तरफ से है। इन बच्चों से पूछ लिए जो भी अच्छा लगेगा उसका व्यवस्था हम लोग के तरफ से कर दीजिएगा। उसका हम लोग जब कहिएगा हम लोग भेजेंगे और खेल चालू होगा। हम लोग को अफसोस है कि हम लोग देख नहीं पाए, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग देखेंगे। हमारे पत्रकार हैं, मौसम भी मिला जुला के ठीक ठाक है, बच्चे को भी आनंद आएगा, खेलेंगे और कहा नहीं हो इसका हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि बच्चे चाहे जिनका भी हो जहाँ से भी आए हैं उनको किसी तरह का सुविधा नहीं हो, उनको रहने खाने का और यहाँ खेलने का भी अच्छा सुविधा हो इसका ध्यान रखेंगे। आपने हमको बुलाया इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। समाप्त। स्तरीय खो खो बालक खेल प्रतियोगिता का आयोजन आज से प्रारंभ किया गया है, किस ओर से किया गया, कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा लिए? खेल विभाग बिहार सरकार, खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में ये 22 से लेकर 25 अक्टूबर तक चलने वाली बालक वर्ग अंडर 14 की खो खो की प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में बिहार के 28 जिले से अभी तक टीमें यहां आ चुकी हैं और इस प्रतियोगिता का में भाग लेने वाले प्रतिभागी जो विजेता बनेंगे उनको और उसमें चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। खेल का उद्घाटन जो किया खेल गया का उद्घाटन आज माननीय मंत्री बिहार सरकार कल्याण विभाग मदन सहनी जी के द्वारा किया गया है और उनके साथ सदर SDO विकास कुमार सर और अन्य खेल के पदाधिकारी लोग थे, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। उन सभी लोगों की देखरेख में ही इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से, खेल प्राधिकरण की ओर से तकनीकी पदाधिकारी की 15 की टोली यहां आई हुई है और उन सभी के देखरेख में इस प्रतियोगिता को 25 अक्टूबर तक संपन्न कराया जाना। कितने प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं? सभी टीमों में जो है 12-12 खिलाड़ी हैं और अभी तक जैसा हमने बताया कि 28 जिले के आने की सूचना मिल गई है, 28 जिले ने रिपोर्ट किया है, कुछ जिले रास्ते में होंगे और वो भी कुछ घंटों में यहाँ पहुँच जाने वाले। टोटल कितने जिले इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? टोटल 28 जिले अभी तक रिपोर्ट कर चुके हैं और शेष जो बचे हुए 10 जिले हैं, क्योंकि खो खो की प्रतियोगिता सभी जिलों में होती है और इस दृष्टि से अपेक्षा है कि अन्य भी जो बचे हुए जिले हैं वो भी उपस्थित हो जाएंगे। अपना परिचय दे दें। रविंद्र कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक। प्रतियोगिता में खेलने के लिए दरभंगा आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का प्रतियोगिता है? खो खो है। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस प्रतियोगिता से? जीतना है हमें और नेशनल के लिए जाना है। कौन सा जिला से आए हैं? मधुबनी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार मैथिल। इस तरह का पहली बार हिस्सा लिए हैं या इससे पहले भी लिए थे? एक बार गए हैं लेकिन भैया के साथ आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ?
सुशांत सुमन। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला। क्या नाम हुआ? सुशांत सुमन। बताए कहाँ से आए आप? लखीसराय से आए। कहाँ आए खेलने के लिए? अच्छा, किस तरह का ये प्रतियोगिता है? बढ़िया खेलने में मन लगता है। अच्छा, तो क्या ये जो बड़ा प्रतियोगिता हो रहा है राज्य स्तरीय है, कैसा लग रहा है इसमें आके? इसमें आके बहुत बच्चे आए, खेलने में मन लगेगा, साथ में खेलेंगे, हारेंगे जीतेंगे बाद में देखा जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा करे कि फ्यूचर में कुछ? क्योंकि सरकार का अब ये है कि मेडल लाइए नौकरी पाइए, तो क्या कहेंगे? खेलेंगे बढ़िया, देखा जाएगा जो होगा, कोशिश करेंगे। कौन सा जिला से आए? लखीसराय। क्या नाम हुआ? प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, कहाँ से आए आप? जमुई जिला। अच्छा, किस तरह का ये प्रतियोगिता हो रहा है? राजस्थान। पहली बार इस तरह का प्रतियोगिता में आया, इससे पहले भी? पहले। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। प्रतियोगिता हो रहा है दरभंगा में, कौन सा जिला से आप आए हैं? चंपारण। पूर्वी चंपारण से है? पश्चिमी चंपारण। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। किस तरह का ये प्रतियोगिता है? खो खो प्रतियोगिता। क्या लग रहा है, किस तरह का इसमें जो आप प्रदर्शन किस तरह का करेंगे? खुद का मेहनत अच्छा करेंगे। करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आयुष राज। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6th। दरभंगा शहर में आए दिनों किसी न किसी सड़क में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है, और वहीं वाहन चेकिंग अभियान कार्यक्रम के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड मुख्य सड़क में सघन वाहन चेकिंग अभियान कार्यक्रम किया गया। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा वहीं वाहन चेकिंग के तहत गाड़ी संबंधित तमाम कागजात, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट सभी की जाँच की गई। वहीं हेलमेट नहीं रहने पर कई लोगों के 1000 रुपए तक का जुर्माना काटा गया। वाहन चेकिंग के तहत हमने विश्वविद्यालय थाना की पुलिसकर्मी से लेकर दूसरे ने लोगों से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको सुना रहे हैं। कहाँ पर फाइन काट रहे हैं? स्टेशन रोड में। कि क्या क्या चीज का चेकिंग कर रहे हैं आप? चेकिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट का, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये सब चेकिंग कर रहे हैं, और समझते कोई सामान गलत नहीं है। कितने गाड़ी का फाइन अभी तक काटे? 2 गाड़ी बिना हेलमेट का 2000 काटे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ASI धीरेन्द्र कुमार, यूनिवर्सिटी थाना। इसीलिए गाड़ी रोका गया आपका? रोका गया सर, हमने सर उसने पहन रखा था, मैंने सर हेलमेट नहीं पहन रखा था। आप हेलमेट नहीं पहने हुए थे या कान में दो ब्लूटूथ लगाए तो आवाज़ कैसे सुनाई पड़ेगा गाड़ी का? पर कान का मेरा ब्लूटूथ मेरा बंद है, इसके लिए बता दें। तो कान में क्यों लगाए हो ब्लूटूथ? दोनों कान तुम्हारा जाम है ना सर, दुकानदार आदमी। एक कान से नहीं बात हो पाती है? हो पाती है। हाँ, हेलमेट भी नहीं लगाते हो, दोनों कान को जाम करके रखते हो। कितना का फाइन कटा? कितना का फाइन कटा? कहाँ पर कटा है फाइन? कौन जगह ये है? स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश कुमार। घर कहाँ हुआ? पिता का नाम? राजा राम शाह। कई आपको बिना हेलमेट का, बिना पेपर का गाड़ी पकड़ाया एक नाके के पास, क्या कहेंगे? मेरे साथ परसेंट है कि मैं हॉस्पिटल में दिखाने जा रहा हूँ, इसके कारण हेलमेट नहीं लाया। कौन पेशेंट है, क्या नाम है लड़का का? कहाँ पर गाड़ी पकड़ाया? एक नाका। गाड़ी किनका है? संतोष जी। आपका क्या नाम है? दुर्गानंद कुमार। कहाँ घर है आपका? बस आपका ड्यूटी लगा हुआ है, वाहन भी चेकिंग आप किए हैं, क्या मिला वाहन से? वाहन चेकिंग मिला, लेकिन इमरजेंसी में मिला, बीमारी था, पानी चढ़ रहा था, उसका अति हाथ में अति लगा, नीडल लगा हुआ था, इस आधार पर हम उसको छोड़े हैं। क्या और भी किसी तरह का अवैध रूप से यहाँ पर आते जाते लोग भी पकड़ाए हैं? नहीं, यहाँ पर अभी तक कोई अवैध रूप से आने जाने वाला कोई नहीं पकड़ा है। अपना परिचय दीजिए। हम ASI हरिंदर प्रसाद से, नाका नंबर 1 के प्रभारी। कौन थाना से है? दरभंगा के नेहरू युवा केंद्र द्वारा नशीली दवाइयों किल्लत और नशे से संबंधित द्रव्यों के सेवन करने से बचने के लिए और इसका सेवन नहीं करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में मंगलवार को 1 दिवसीय जागरूकता सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के NSS
संवेयक डॉक्टर आर एन चौरसिया, मुख्य वक्ता के रूप में कला एवं संस्कृति विभाग की डीन डॉक्टर पुष्पम नारायण एवं पीजी विभाग के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनू राम शंकर मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने की। मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। मौजूद सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के मुकेश कुमार, मणिकांत ठाकुर, राम नारायण पंडित उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुधा नंदन झा ने किया। पांचवा पर लटक तो लेकिन मन में वो नशा छूटा नहीं। ये नशा जो लोग करते हैं ना दवाई वाला, वो खत्म हो जाता है दो चार घंटे के बाद। मेरे का नशा था वो सोचिए, पांचवा क्लास का था, मैं बीएससी में चला गया, 15 साल का ही होगा। तो आप क्या करेंगे, एमएससी में जब गए तो मेरा कोई मित्र मिलेगा तो बताएगा, पहला दिन लिख दिए कि एमएससी में नहीं टॉप करेंगे। वो सारा दोस्त मेरा एकदम मेरे पीछे पड़ गया, जिसका घमंड तोड़ना है, घमंड नहीं था, हमको नशा को जिलाना चाह रहे। बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं टॉप कर गया, मेरा नाम चल गया। तो ऐसी नशा अगर हो, ये तो अच्छी बात, मादक द्रव्यों से नशा होगा ये मैं नहीं मानता। नशा तो दिमाग में होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का नशा होना चाहिए। अब तो गाना सुने होंगे, नशा में कौन नहीं है ये बताओ, नशा शराब में होती तो नाचती वो तक, वो सब तो नाचती नहीं है। तो वो नशा की बात नहीं है, नशा नशा नशीला पदार्थ लेके नशा आएगा ये नहीं मानते। और एक मिनट गौर से सोचिए उसमें क्या क्या गुण है। जितने नशा लोग करते हैं, खैनी खाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं या ताई पीते हैं, उसका गंध अच्छा है क्या, अभी गंध लगा है अच्छा होता है, स्मेल सुंदर होता है क्या? नहीं, मैं तो टेस्ट नहीं किया हूँ, तो गंध अच्छा नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है और प्रभाव तो अच्छा नहीं है। तो फिर हम सोचे कि वह स्पर्श को नहीं समझा, कोई भी तो अच्छा होना चाहिए ना। एक चीज योगी अच्छा है, हम मिठाई खाते हैं, डायबिटीज के बाद भी खा लेते हैं, स्वाद अच्छा है उसका, तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए। गंध अच्छा नहीं, स्वाद अच्छा नहीं और उसका उपयोग अच्छा नहीं होगा तो फिर क्यों करना, ये प्रश्न कहां से उठा? यह कोई प्रश्न नहीं है। हम किसी प्रकार से नशा का सेवन नहीं करते, मैं पान भी नहीं खाता, चाय का भी आदि नहीं हूं आज तक, बता दें आपने, चाय पीता हूं मैं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आज चाय नहीं पिए तो सर दर्द कर, आदि नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, एडिक्टेड नहीं हूं। लेकिन मैं तो अच्छे काम कर रहा हूं, अच्छा से पढ़ा रहा हूं और भी काम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं नशा से एनर्जी मिलती है, जिला सेवन करना, मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन मैं काम करता हूं और हम सब भी काम ये करते हैं तीन लोग, वो मैडम बहुत काम करती है, ये सब कोई लोग इस श्रेणी के नहीं है, नशा सेवन नहीं करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में सभी परचम ला रहे हैं। तो ये आपके लिए सीख है कि नशा सेवन किसी भी रूप में हमारे विकास के लिए उचित नहीं है, वो विनाश कर सकता है। 22 अक्टूबर को नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के आदेशानुसार हराई पोखर के लिए 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान का आरंभ किया गया। यह सफाई अभियान के पर्यवेक्षण में मुकेश महासेठ, वार्ड पार्षद 12, नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी निखिल चौरसिया, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम, कन्या अभियंता उदयनाथ झा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त स्वयं उपस्थित होकर हराई पोखर की सफाई का निरीक्षण किया। वो मंदिर से है ना सर, वहां तक डाला रहता है।
दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिला अतिथि गृह लहरियासराय में मंगलवार को। वहीं आयोजित बैठक में पूरे जिले भर से लोग पहुंचे हुए थे। पार्टी को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर बूथ स्तर पर किस तरह से तैयारी चल रही है, इसकी समीक्षा की गई। अलग अलग प्रखंड से पहुंचे हुए थे कार्यकर्ता दर्जनों की संख्या में। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। बारी बारी से सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता सदस्य इत्यादि ने अपनी अपनी बातों को रखा और पार्टी को किस तरीके से अधिक मजबूती दिलाई जाए, इस पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया। और भी बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। और हमारे 23 पंचायत वाले प्रखंड में, जिसमें 8 पंचायत मतदाता को शहरी विधानसभा में और 15 पंचायत ग्रामीण विधानसभा में। पंचायत समिति आपके 11 सदस्य है, 21 सदस्य प्रखंड समिति है। और सर हम लोग का तुम्हारे हमारे प्रबंध में प्रभारी जी आए हुए हैं, हम लोग कुछ भाई को कहें प्रबंधक ये है कि हम लोग का सब काम तो हम लोग करते हैं। जो पार्टी तरफ से आदेश आता है पटना से जिला से हम लोग करते ही है। वो सारी समय पहले भी हम लोग पंचायत कमेटी जाके बनवाए थे, जो हमारे विधानसभा प्रभारी थे उनके साथ। और हम लोग के साथ जब लोकसभा हुआ उसमें हमारे जो कार्यकर्ता है पंचायत अध्यक्ष या हम खुद जो दरभंगा जिला अंतर्गत प्रतिवेदित कांडों की तुलना में लंबित कांडों की संख्या काफी अत्यधिक है। प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना से कम लंबित कांडों का मानक प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से थाना, अंचल, अनुमंडल एवं अन्य स्तर पर किए जा रहे कांडों की समीक्षा के अलावे जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनुसंधानों को बुलाकर कांडवार समीक्षा तथा कांडों में की गई कृत कार्रवाई, अनुसंधान की गुणवत्ता एवं कांडों के तत्वरित निष्पादन कराने के दृष्टिकोण से परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक कुमार, उमाशंकर राय, प्रेम प्रकाश राय, सत्येंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन टीम का गठन किया गया। यह इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन टीम 22 अक्टूबर को वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अनुसंधानकर्ता बार विशेष अविशेष प्रतिवेदित सभी लंबित कांडों का समीक्षा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किया गया, जिसमें रयाम थाना पर्यवेक्षी पदाधिकारी दिलीप कुमार के द्वारा अनुसंधानकर्ता सुरेंद्र कुमार के कुल 3 कांड, रयाम थाना अनुसंधानकर्ता कुमारी दिव्य के कुल 9 कांड, बहेरी थाना के अनुसंधानकर्ता सुनील कुमार के कुल 19 कांड, केवटी थाना के अनुसंधानकर्ता शुकन सिंह के कुल 20 कांड, सिंहवाड़ा थाना के अनुसंधानकर्ता लक्ष्मी गुप्ता के कुल 13 कांड, सिंहवाड़ा थाना के अनुसंधानकर्ता सतीश यादव के कुल 14 कांड, जाले थाना पर्यवेक्षी पदाधिकारी अभिषेक कुमार के द्वारा अनुसंधानकर्ता दिव्यांशु शेखर के कुल 16 कांड, कमतौल थाना के अनुसंधान कर्ता रविंद्र प्रसाद के कुल 7 कांड, बहेड़ा थाना पर्यवेक्षी पदाधिकारी सत्येंद्र चौधरी के द्वारा अनुसंधानकर्ता सरयुग प्रसाद के कुल 18 कांडों की समीक्षा की गई। कुल समीक्षा कांडों की संख्या 119 रही। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी, जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक संदीप कुमार, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के सुरेश बाबू और बिहार सरकार आपदा प्रबंधक विभाग के उप सचिव नदीमुल गफार सिद्दीकी के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड अंतर्गत कोशी पश्चिमी तटबंध के भूवौल गाँव टूटान स्थल पर पहुंचकर बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसल, सड़क, स्कूल, पुल, पुलिया, बिजली एवं जनधन के संबंध में स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से जानकारी ली। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बाढ़ के समय जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 23 दिनों से यहाँ पर सामुदायिक रसोई घर का संचालन हो रहा है, जिसमें हम लोग दोनों शाम खाना खा रहे हैं। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने जिला स्तरीय एवं बाढ़ प्रभावित प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली मोड़ स्थित ग्रेसिया होटल में समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधक पदाधिकारी सलीम अख्तर द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से केंद्रीय टीम को बाढ़ के दौरान किए गए कार्य से अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने बाढ़ से क्षति का प्रारंभिक प्रतिवेदन से भी केंद्रीय टीम को अवगत कराया।